हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 9th की मैथ से लिया गया है, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 7, सो दैट 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 0.3 अपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू हेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पर ये एक नंबर दिया गया है, ये रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस क्वेश्चन को हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.333333 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे राइट करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड वी गेट ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड वी गेट। तो देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना सबसे पहले यहाँ पर, तो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डेसिमल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा 3.333। अब देखो यहाँ पर 4 × 3 है, तो हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे क्योंकि डॉट डॉट है तो फिर हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास 10x इज इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक, जब माइनस करते हैं हम तो साइन चेंज होते हैं, जैसे ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा। तो आप देखो, 10x माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा 9x। यहाँ पर 3 − 3 0, 3 − 3 0, ये भी 0 ये भी 0, 3 − 0 3। ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर 0 लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद 0 आप हटा सकते हो। तो ये कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/9। कितना हो जाएगा, 3/9। इसको कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो फाइनली जो एक्स का आंसर आएगा वो आएगा 1/3। एक्स का आंसर कितना आएगा, 1/3। तो फाइनली एक्स का कितना आंसर आएगा, एक्स का आंसर आएगा 1/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहो तो इसे राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।